आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। मानकी मंदिर के निकट अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन द्वारा किसानों के समर्थन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में दर्जनों गांव के किसान पहुंचे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 26 जनवरी को नगर देवल में जो परेड निकाली गई थी उसके लिए इनका धन्यवाद करने के लिए और अगली रणनीति किसानों के समर्थन में तय करनी थी। किसान नेता राकेश टिकैत के बारे में उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका एक भी आंसू जाया नहीं जाएगा। पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट होने की तैयारी कर चुका है। इस दौरान उन्होंने 6 फरवरी को मानकी मंदिर के निकट एक किसान महापंचायत का भी ऐलान किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब। आज मीटिंग की जा रही है, किस मामले को लेकर की जा रही है? भारत सरकार के ये नुमाइंदे किसान एकता के लिए हमारे जो अन्नदाता रोड पर पड़े हैं उनके लिए बोर्ड मिनिस्टर गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे बड़े भाई टिकैत जी के साथ हुआ वो बहुत सरकार द्वारा बने बुरा हुआ है और हम उनके साथ हैं, उनके सुख में हम उनके साथ हैं। किसानों के क्या आप समर्थन देने जा रहे हैं उन्हें अपना? हाँ, उनके लिए हम समर्थन पूरा करेंगे और यहाँ की जो आज हमारे चाचा वीरेंद्र सिंह वो यहाँ के लिए रणनीति बनाएंगे। गाजी बॉर्डर पर कब जाना है हमने? ये सब मीटिंग गई है यहाँ पर, आज यहाँ मानकी मंदिर पर कई गाँव की मीटिंग थी, कई गाँव के लोग थे और सभी जाति धर्म के लोग किसान थे यहाँ पर, और मीटिंग की गई थी 26 तारीख गणतंत्र दिवस को जो यहाँ परेड ट्रैक्टर परेड निकाली है उसका धन्यवाद और अगली रणनीति किसानों के समर्थन में तय करनी थी। गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकैत जी के साथ हुआ है, क्या कहेंगे उस मामले में? जब राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई लड़ रहा था उसका जो आंसू निकले हैं एक तक आंसू जाया कोई गलत नहीं जाएगा, पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट होने की तैयारी कर चुका है और आने वाली 6 फरवरी को किसानों के समर्थन में इसी मानकी मंदिर पर 11 बजे लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होने जा रहा है और यही उसी दिन चैलेंज करेंगे, ऐलान करेंगे, कोई हमारे किसानों को दबाने का काम करेगा, पूरा हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर उसका मुंह तोड़ जवाब देगा।